आपका स्वागत है एक और नए मिस्टीरियस एपिसोड में। रहस्यमय सीरीज के इस एपिसोड में आज हम दुनिया की सबसे श्रापित और रहस्यमय कुर्सी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पिछले 300 सालों से पूरी दुनिया में अपना डर बनाकर रखा है। इस चेयर को बस्बी स्टूप चेयर और द चेयर ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस कुर्सी के मनहूसियत के पीछे की कहानी आखिर क्या है। बस्बी स्टूप चेयर की ये कहानी थॉमस बस्बी नाम के एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है, जो कि इंग्लैंड में रहता था। साल 1702 में इंग्लैंड में रहने वाला थॉमस बस्बी अपने साथी डेनियल के साथ मिलकर नकली सिक्के बनाने का गैर कानूनी काम करता था और हर शाम ये दोनों एक बार में बैठकर शराब पिया करते थे। इस बार में एक कुर्सी थी जिससे थॉमस को बेहद ही लगाव था और वह अपने अलावा इस कुर्सी पर किसी और को बैठने नहीं देता था। अगर गलती से भी कोई इस कुर्सी पर बैठ जाता तो थॉमस तुरंत उस व्यक्ति से लड़ झगड़ने लगता। हर दिन की तरह थॉमस अपने दोस्त डेनियल के साथ बार में बैठा हुआ था। तभी थॉमस ने डेनियल से नशे में कहा कि वह उसकी बेटी से बेहद प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। डेनियल ने जब यह सुना कि थॉमस उसकी बेटी से प्यार करता है तो डेनियल थॉमस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगा, जिसके बाद थॉमस और डेनियल के बीच बहस और मारपीट शुरू हो जाती है। और इसी बीच डेनियल थॉमस को नीचा दिखाने के लिए डेनियल जबरन थॉमस की पसंदीदा कुर्सी पर बैठ जाता है। डेनियल को कुर्सी पर बैठा देख थॉमस और भी ज्यादा भड़क जाता है, जिसके बाद थॉमस डेनियल से लड़ते हुए गुस्से में डेनियल का गला घोंट देता है और उसे मार देता है, जिसके बाद डेनियल के कत्ल के जुर्म के चलते थॉमस बस्बी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और फांसी देने से पहले जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा जाता है तो थॉमस अपनी आखिरी ख्वाहिश बताते हुए उनसे कहता है कि उसे आखिरी बार अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठना है। थॉमस की इस आखिरी इच्छा सुनने पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे, लेकिन फिर भी उन लोगों को थॉमस द्वारा बताई गई आखिरी इच्छा को पूरा करना था, जिसके बाद थॉमस को उसकी पसंदीदा कुर्सी पर बैठने दिया जाता है। थॉमस कुर्सी पर बैठते ही यह कहता है कि ये कुर्सी सिर्फ उसकी है और उसकी ही रहेगी। उसके मरने के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठने की कोशिश करेगा उसे सजा के तौर पर मौत मिलेगी। उस समय बार में मौजूद सभी लोग थॉमस की कही हुई इन बातों पर हंसने लगे और उसकी कही हुई सभी बातों को अनसुना कर दिया और किसी ने भी इस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर थॉमस के मरने के बस कुछ ही दिनों बाद इस कुर्सी पर बैठने की वजह से लोगों ने एक एक कर अपनी जानें गंवाना शुरू कर दिया। इस कुर्सी के श्राप का शिकार उस बार में काम करने वाली एक नौकरानी थी, जो काम करते हुए थककर उस कुर्सी पर बैठ जाती है और उसके अगले ही दिन उस औरत के बार में काम करते हुए रहस्यमय तरह से मौत हो गई। इसके कुछ ही दिनों बाद एक कारपेंटर ने इस कुर्सी पर बैठकर शराब पीने की गलती कर दी। शराब पीने के बाद जब कारपेंटर देर रात तक अपने घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया और उस रात उस कारपेंटर का शरीर एक लैंप पोस्ट से लटका हुआ मिला। इस घटना के बाद भी समय समय पर कई लोग उस कुर्सी पर बैठते गए और वो सभी लोग भी रहस्यमय तरीके से मारे गए, जिसके बाद से ही इस कुर्सी के श्राप की बात पूरे इलाके में फैलने लगी।
शराब की खबरें फैलने के बाद भी कई लोग इस कुर्सी पर बैठे, कुछ लोग इस कुर्सी पर अनजाने में बैठे तो कुछ लोग इस शराब का मजाक बनाने के लिए और उस कुर्सी को गलत साबित करने के लिए उस कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, जिसके बाद से ही बार के मालिक को यह देखने मिला कि जो भी उस कुर्सी पर बैठा था वो दोबारा कभी उस बार में लौटकर नहीं आया और ना ही उस बार के आसपास के इलाके में दोबारा दिखाई दिए। इन सभी घटनाओं के बाद बार के मालिक ने उस कुर्सी को बार के स्टोर रूम में बंद करवा दिया। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ तो इस इलाके के आसपास के वॉर सोल्जर्स और रॉयल एयरफोर्स पायलट रोजाना इस बार में शराब पीने आने लगे। जब उन्हें श्रापित कुर्सी के बारे में पता चला तो उन्होंने बार के मालिक से उस कुर्सी को दोबारा बाहर निकालने की मांग की और उन सभी ने उस कुर्सी पर बारी बारी से बैठकर उस कुर्सी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों बाद एक यूरोपियन बॉम्बिंग मिशन में उन सभी सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन इस कुर्सी का श्राप यहीं नहीं रुका। जब इस श्रापित कुर्सी के चलते मरने वालों की गिनती बढ़ने लगी तो उस बार के मालिक ने इस कुर्सी को लोगों से दूर रखने के लिए उस बार के तहखाने में बंद कर दिया और कई सालों तक यह कुर्सी उस तहखाने में पड़ी रही। एक दिन एक ट्रक ड्राइवर जो कि सामान पहुंचाने का काम किया करता था, वो कुछ जरूरी सामान पहुंचाने के लिए इस बार में आता है और सामान को लेकर इस बार के तहखाने में पहुंच जाता है। जब वह ड्राइवर सारे सामान को तहखाने में रख देता है तो थककर वह पास में पड़ी उसी कुर्सी पर बैठ जाता है। आराम करने के बाद वह ट्रक ड्राइवर जब बार से वापस अपने रास्ते निकल जाता है तो रास्ते में ही उस ट्रक ड्राइवर का ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है और इस दुर्घटना के चलते उस ड्राइवर की वहीं मौत हो जाती है। इसी तरह 1978 के अंत तक कुर्सी पर बैठने की वजह से करीब 70 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और इसी की वजह से उस बार के मालिक के पोते ने सन 1978 में उस कुर्सी को एक म्यूजियम को सौंप दिया, जिसके बाद इस कुर्सी को पवित्र करके उस म्यूजियम में 5 फीट की ऊंचाई पर लटका दिया, जिससे कोई भी व्यक्ति गलती से भी इस कुर्सी पर ना बैठ जाए। ये कुर्सी आज भी थ्रिस्क म्यूजियम में रखी हुई है। इस कुर्सी पर आज तक कई पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने अपने अलग अलग तरीके से रिसर्च भी की है, जिनमें से कईयों ने इस कुर्सी के आसपास इस कुर्सी के मालिक यानी थॉमस बस्बी की आत्मा को देखने का दावा भी किया है। इस कुर्सी को कई हॉरर टीवी शो में भी दिखाया गया है और इस श्रापित कुर्सी की मनहूसियत की कहानी कई किताबों का भी हिस्सा बन चुकी हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही मिस्टीरियस टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।